अगर तुम गरीब पैदा हुए हो तो ये तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन अगर तुम गरीब ही मर जाते हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मेहनत करो और अपने आप को आगे ले जाओ। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 31 जनवरी के करेंट अफेयर पर। और देखिए, आज की वीडियो में टोटल हम 12 करेंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनके स्पेशल फैक्ट को हम पूरी डिटेल में जानेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन अभी पूछेंगे, तो आपको इन 5ों प्रश्नों के जवाब भी देने। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो के PDF के लिए मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस चैनल के आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाए। और देखिए, वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख के इससे लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स में पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखिए, कल क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए शिव भोजन योजना शुरू की है। तो देखिए, इसको स्टार्ट किया गया पहली में महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। और देखिए, दूसरा था कि हरित रत्न पुरस्कार 2019 किसे दिया गया। तो देखिए, ये पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर एन कुमार को। और तीसरा था कि 28 जनवरी 2020 को किस स्वतंत्रता सेनानी का जो है जन्म दिवस मनाया गया। तो देखिए, ये भारत के स्वतंत्रता सेनानी आपके हैं लाला लाजपत राय। और इनके बारे में अगर डिटेल में जाना है तो परसों का वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिएगा। और देखिए, चौथा था कि निम्नलिखित में से किस दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 27 जनवरी। और पांचवा था कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा भारत के किस शहर में भारत पर्व 2020 का आयोजन किया गया। तो देखिए, ये शहर आपका है दिल्ली। और जो आपका ये भारत पर्व है, ये क्या चीज़ होता है, ये मैंने आपको परसों के वीडियो में बहुत डिटेल में बताया था। तो परसों का वीडियो देख के इसको तुरंत रिवाइज कर डालिएगा। और देखिए, आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है। देखिए, ये तिथि जो है बार बार पूछी जाती है। देखिए, ये तिथि आपकी है 30 जनवरी। हर साल 30 जनवरी को हम विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाते हैं, यानी कि जो आपका वर्ल्ड लेप्रोसी डे है, ये मनाया जाता है हर साल 30 जनवरी को। और क्यों मनाया जाता है ये भी जान लीजिए। देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं, जो आपका कुष्ठ रोग है इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लेप्रोसी। और ये एक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री, तो इसके कारण होता है। यानी कि जो आपका लेप्रोसी है यानी कि कुष्ठ रोग है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। और देखिए, ये जो है विशेष रूप से त्वचा संबंधित तंत्रिकाओं और आँखों को प्रभावित करता है। और भारत में जो है अब ये रोग लगभग समाप्ति के कागर पर है। और देखिए, इसी रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस जो है हर साल मनाया जाता है 30 जनवरी को। और देखिए, अभी हाल ही में एक आंकड़ा प्रस्तुत हुआ था, उसमें बताया गया था कि भारत में अब जो है 10,000 में से एक व्यक्ति से भी कम लोगों में जो आपका ये कुष्ठ रोग है ये पाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है। और दूसरा प्रश्न है कि महात्मा गांधी की पुण्यतिथि जो है ये किस दिन मनाई जाती है। तो देखिए, जो आपकी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है ये मनाई जाती है 30 जनवरी को हर साल। देखिए, 30 जनवरी 1948 की बात है, 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो है गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो इसीलिए 30 जनवरी को इनकी पुण्यतिथि हर साल जो मनाई जाती है इनको याद करने के लिए। आपको बता दूं कि वर्ष 2020 में जो है महात्मा गांधी की 72वीं पुण्यतिथि मनाई गई, तो ये क्रम जरूर आपको याद रखना है। और आज कमेंट बॉक्स में एक बहुत ही कॉमन आंसर बताना है। देखिए, प्रश्न है आपका कि गांधी जयंती किस दिन मनाई जाती है। सब लोग बताएंगे कि गांधी जयंती जो है किस तिथि को मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और देखिए, तीसरा प्रश्न आपका है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है ये किस राज्य में खोला गया है। तो देखिए, ये राज्य आपका है तेलंगाना। अभी हाल ही में तेलंगाना में दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का जो है उद्घाटन किया गया है। और इसकी खास बात क्या है, देखिए, इसका जो निर्माण है ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित कान्हा शांति वनम में किया गया है। और इस सेंटर का जो निर्माण है ये श्री रामचंद्र मिशन और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। और देखिए, इस मेडिटेशन सेंटर की खास बात यह है कि इसमें जो है कुल 1 लाख लोगों को जो है ध्यान लगाने का प्रशिक्षण मुफ्त में दिया जाएगा। तो ये पूरी डिटेल्स याद रखना, लेकिन एक लाइन में दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए कि दुनिया का जो सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है ये तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित जो आपका कान्हा शांति वनम है, तो वहाँ पर अभियारी में ये खोला गया है, ठीक है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में असम राइफल ने किस राज्य में जो है शहीदों के लिए युद्ध स्मारक का निर्माण किया है। तो देखिए, जो आपका असम राइफल है, इसने अभी हाल ही में जो आपका नागालैंड राज्य है वहाँ पर शहीदों के लिए एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया है। और देखिए, जो आपका ये स्मारक है ये पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवाद से लड़ते हुए शहीद हुए कुल 357 सेना और असम राइफल के जवानों के लिए बनाया गया है। और देखिए, इस स्मारक का जो निर्माण है ये नागालैंड के मोकोचुंग में जो है किया गया है। और ये जो है, जो आपका मोकोचुंग जो है, ठीक है, ये नागालैंड का सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र भी है।
मोकोचुंग प्लेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नागालैंड का सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र है। और ये अब और भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पर जो है अभी हाल ही में असम राइफल्स ने जो है शहीदों के लिए एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया है। और देखिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को किस जानवर को उपयुक्त स्थान देकर बसाने की मंजूरी दी है। तो देखिए ये जानवर काफी चर्चा में है और ये जानवर आपका है अफ्रीकी चीता। देखिए भारत में जो आपके चीते हैं ये लगभग विलुप्ति के कगार पे हैं, तो इसीलिए भारत सरकार प्लानिंग कर रही थी बहुत दिनों से कि अफ्रीका वगैरह से जो है हम चीते मंगाएं और इनको जो है फिर से यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए अच्छा माहौल दें और भारत में इनकी संख्या बढ़े। तो देखिए भारत में पाए जाने वाले दुर्लभ चीता देश में लगभग विलुप्ति के कागार पर जो है पहुंच गए हैं, और इसीलिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने जो आपका नामीबिया देश है जो कि एक अफ्रीकी देश है तो वहां से जो है चीता को लाने के लिए जो है याचिका दायर की थी। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि भारत सरकार जो है ये नामीबिया जैसे अफ्रीकी देशों से जो आपका अफ्रीकी चीता है इसको लाकर जो है भारत में फिर से बसाना चाहती है और इसकी संख्या भारत में बढ़ाना चाहती है। और देखिए छठा प्रश्न है कि किस देश में चक्रवात प्रभावित इलाकों में राहत पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला आरंभ किया है। तो देखिए जो आपका ये ऑपरेशन वनीला है नाम से बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इस फ्लेवर का आइसक्रीम भी मिलता है मार्केट में, लेकिन अभी हाल ही में जो आपका ये ऑपरेशन वनीला ये जो आपका भारतीय नौसेना इसने स्टार्ट किया है मेडागास्कर के लिए, क्योंकि मेडागास्कर में अभी हाल ही में एक चक्रवाती तूफान आया था। और देखिए अगर किसी भी देश में चक्रवात आता है तो भारत जो है भारत सरकार जरूर उसके लिए सहायता मुहैया कराती है। तो देखिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के अपने जहाज INS एरावत को जो है मेडागास्कर में इस चक्रवाती तूफान से निपटने के लिए वहां पे सहायता सामग्री भिजवाई थी। तो देखिए जो आपका मेडागास्कर है इसको जो है पीने का पानी, आवश्यक भोजन सामग्री, कपड़े, दवाइयाँ आदि की सहायता जो है दी गई इस INS एरावत को भेजकर। और इसके लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा अभियान चलाया, इसका नाम था ऑपरेशन वनीला, इसको आप जरूर याद रखेंगे। और देखिए मेडागास्कर की बात करें तो मेडागास्कर जो है आपका ईस्ट अफ्रीका में स्थित है और मेडागास्कर की कैपिटल है अंतानानारिवो और यहाँ की करेंसी है मालागासी अरेरी। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे मेडागास्कर के बारे में। लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि मेडागास्कर जो है यहाँ पर जो चक्रवाती तूफान आया था तो वहाँ पर जो है राहत सामग्री पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के द्वारा जो है ऑपरेशन वनीला नामक एक अभियान चलवाया था, ठीक है। और देखिए एक खास बात हो रहा है यहाँ पे जो जहाज का नाम है इसका नाम है INS एरावत, ठीक है, इसको भेजा गया था मेडागास्कर में राहत सामग्री लेकर। तो इस जहाज का नाम याद रखना क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन सा जहाज कहाँ पे किस राहत सामग्री के लिए या फिर किस ऑपरेशन के लिए जो भेजा गया था, तो इसको आप याद रखेंगे। और ये सातवें प्रश्न पे चर्चा करने से पहले आपको बता दूं कि जो आपका जनवरी 2020 का मंथली करंट अफेयर है, ठीक है, तो उसका वीडियो का पार्ट वन अपलोड हो चुका है और पार्ट वन की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, वहां पे क्लिक करके उसको जरूर देख डालिए क्योंकि वो वीडियो आपके सभी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल रामबाण है। और देखिए सातवां प्रश्न आपका है कि हाल ही में भारतीय साइक्लिस्ट जिनका नाम है एसो अल्बेन, इन्होंने 6 डे बर्लिन टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है। तो देखिए इन्होंने गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता है और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए बिहारी में जो भारतीय साइक्लिस्ट है इनका नाम है एसो अल्बेन, इन्होंने 6 दिन तक चलने वाले बर्लिन टूर्नामेंट की कीरिन व्यक्तिगत स्पर्धा में बिहारी में स्वर्ण पदक जीता है। और देखिए जो आपका ये चैंपियनशिप था इसी चैंपियनशिप में जो आपके चेक गणराज्य के टॉमस बाबेक हैं ये दूसरे स्थान पर रहे, यानी कि इनको जो है सिल्वर मेडल दिया गया। और इसी में जो है जर्मनी के जो आपके मैक्सिमिलियन लेव जो है ये तीसरे स्थान पर हैं, यानी कि इनको ब्रॉन्ज मेडल दिया गया। तो गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक किसने जीता है, इसको जीता है भारत के साइक्लिस्ट एसो अल्बेन ने, तो इसको आपको याद रखना है। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत के किस स्टार जेवलिन थ्रो खिलाड़ी ने दक्षिण अफ्रीका में चल रही ACNE लीग में 87.86 मीटर की थ्रो फेंक कर जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो देखिए ये भारत के जेवलिन थ्रोवर यानी कि भाला फेंक खिलाड़ी आपके हैं नीरज चोपड़ा। तो इस न्यूज को एक बार फिर से सुन लीजिए ध्यान से। देखिए जो भारत के भाला फेंक खिलाड़ी यानी कि जेवलिन थ्रो प्लेयर हैं जिनका नाम है नीरज चोपड़ा, इन्होंने बिहाली में दक्षिण अफ्रीका में चल रही ACNE लीग में 87.86 मीटर का थ्रो फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए जो है क्वालिफाई कर लिया है। और देखिए नवा प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रेल ने कितने रूटों पर जो है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किए हैं। तो देखिए आपको बता दूं जो आपका इंडियन रेलवे है इसने अभी हाल ही में टोटल 6 रूटों पर जो है बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर चिन्हित किए हैं। और इस न्यूज को थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए और बहुत ही ध्यान सुनिएगा। और देखिए ये जो आपके 6 रूट हैं जिन पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जो है कॉरिडोर चिन्हित किया गया है, तो इनमें जो है कुछ हाई स्पीड कॉरिडोर हैं और कुछ सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर हैं। तो जो आपका हाई स्पीड कॉरिडोर होगा तो इस पर जो है ट्रेन की रफ्तार कितनी होगी, 300 किलोमीटर प्रति घंटे, और जो आपका सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर होगा
इस पर ट्रेन की रफ्तार होगी 160 किलोमीटर प्रति घंटे, तो इसको आपको याद रखना है। और देखिए ये जो आपके कॉरिडोर हैं ये कई महानगरों से होकर गुजरेंगे, जिनमें आपका दिल्ली, नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी, जयपुर, अहमदाबाद, पुणे, हैदराबाद और बेंगलुरु शामिल हैं। और देखिए इन 6 कॉरिडोरों में दिल्ली, नोएडा, आगरा, वाराणसी के बीच बनाया जाने वाला जो आपका 865 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर है ये भी शामिल है। तो इस पूरी न्यूज़ को ऐसे ही बिल्कुल नोट कर लीजिए। और देखिए 10वां प्रश्न है कि नेविगेशन प्रोडक्ट मुहैया कराने वाली कंपनी टाम टाम के द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है। देखिए ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप अलग से नोट भी कर लीजिएगा। देखिए ये शहर आपका है भारत का बेंगलुरु शहर, और बेंगलुरु को जो हम जो है सिलिकॉन सिटी के नाम से भी जानते हैं, इसको आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। तो फिर से आप जान लीजिए कि जो आपका नेविगेशन प्रोडक्ट मुहैया कराने वाली कंपनी है इसका नाम है टाम टाम। तो टाम टाम के द्वारा जारी ट्रैफिक इंडेक्स 2019 के मुताबिक विश्व का सबसे अधिक ट्रैफिक वाला शहर कौन सा है, ये शहर आपका बेंगलुरु है। और देखिए जो आपका फिलीपींस का मनीला शहर है ये ट्रैफिक के मामले में दूसरे नंबर पर है ट्रैफिक इंडेक्स 2019 में, और इस इंडेक्स में कोलंबिया का बोगोटा शहर तीसरे स्थान पर है। और देखिए यातायात के सबसे खराब 5 शहरों में जो आपका चौथा और पांचवा स्थान है ये क्रमशः जो है मुंबई और पुणे का है, और इस ट्रैफिक इंडेक्स 2019 में जो आपका दिल्ली है ये 8वें स्थान पर है। और देखिए जो आपका टाम टाम है इसके बारे में आपको बता दूं कि टाम टाम जो है इसने यातायात इंडेक्स यानी कि जो आपका ट्रैफिक इंडेक्स 2019 है इसमें कुल 57 देशों के 416 शहरों पर जो है ये रिपोर्ट जारी की है। तो इस रिपोर्ट के बारे में ये स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और देखिए 11वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो ये किस राज्य में आयोजित होता है। तो देखिए आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए कि जो आपका सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है ये आपका हरियाणा में हर साल आयोजित होता है, और हरियाणा के फरीदाबाद में जो इसका आयोजन किया जाता है। और इसकी क्या खास बातें होती हैं और इस साल क्या खास बात रहेगी ये जान लीजिए। देखिए जो भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, तो फरीदाबाद हरियाणा में जो है 1 फरवरी को इस साल के क्रम से जो आपका ये 34वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला होगा इसका उद्घाटन करेंगे, यानी कि इस साल क्रम से देखा जाए तो 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन कब होगा, 1 फरवरी को होगा, कहाँ पे, हरियाणा के फरीदाबाद में, और इसका उद्घाटन कौन करेंगे, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। और देखिए जो आपका ये सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है तो ये जो है सूरज कुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन के द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालय के सहयोग से जो है आयोजित किया जाता है हर साल। और देखिए इस 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले से 2 प्रश्न और एग्जाम में बनेंगे। पहला प्रश्न ये बनेगा कि 34वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 में कौन सा देश भागीदार देश रहा। तो देखिए ये देश आपका है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है इस साल 2020 में सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार देश है। और देखिए इसमें जो आपका हिमाचल प्रदेश है जो है थीम रहा है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये दोनों चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं अलग अलग से, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और 12वां प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का आयोजन किया गया। तो देखिए ये प्लेस आपका है नई दिल्ली। अभी हाल ही में नई दिल्ली में जो है जो आपका द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का आयोजन किया गया था, और इसकी थीम थी टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट काउंट, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 है, ठीक है, तो ये जो है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है, और इस बैठक में सस्टेनेबल एक्शन डायलॉग्स, क्षेत्रीय संवाद, कॉरपोरेट कॉन्क्लेव और IFAT दिल्ली 2020 यानी कि स्वच्छ प्रौद्योगिकी की प्रदर्शनी युवा स्वयं सेवा कार्यक्रम जो है ये सारे शामिल हैं। तो ये पूरी डिटेल्स है, इसको आप दिमाग में बनाए रखिएगा। लेकिन सबसे पहले क्या रखना कि द वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट 2020 का जो आयोजन है ये नई दिल्ली में किया गया, और इसकी थीम थी टूवर्ड्स 2030 मेकिंग द काउंट काउंट। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो आपके लिए आज का पहला प्रश्न है, 71वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता है। इस प्रश्न का उत्तर बताइए, अगर नहीं पता है तो कल का वीडियो देखकर उसको तुरंत रिवाइज कर डालिए, क्योंकि मान के चलिए कि आपका जो ये प्रश्न है ये अगले परीक्षा में आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा। और देखिए दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे अमेरिका में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, इनका नाम बताइए। और आपके लिए तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य ने राज्य विधान परिषद को समाप्त करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, इसका आंसर बताइए।
और चौथा प्रश्न आपके लिए कि शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, इसका आंसर बताइए। और देखिए इन्होंने इस पद पर किसका स्थान लिया है ये भी आपको बताना है। और पांचवा प्रश्न आपके लिए कि मध्य प्रदेश के कौन से गेंदबाज फर्स्ट क्लास में डेब्यू पर पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर बन गए हैं, इनका नाम बताइए। तो इसी प्रश्न के साथ आज का करंट अफेयर्स नहीं समाप्त होता है, कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर्स साथ। वीडियो को भी लाइक करके इसको शेयर कर दीजिएगा, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। और देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया के लिंक आपको मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिए ताकि आपको यहाँ से भी जीएस और करंट अफेयर के अपडेट मिलते रहें। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।